दोस्तों, हमारे चैनल मेडिसिन डिटेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सेरेटियोपेप्टाइडेज टैबलेट के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सेरेटियोपेप्टाइडेज टैबलेट एक तरह का एंजाइम होता है। ये मसल्स दर्द के अलावा और भी कई सारे दर्द में इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होते हैं। आइए इस ड्रग के बारे में और अधिक विस्तार से बात करते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। सेरेटियोपेप्टाइडेज टैबलेट के उपयोग, सेरेटियोपेप्टाइडेज आमतौर पर दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवा है। आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल और किन किन समस्याओं के लिए किया जा सकता है। सिर दर्द में, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में, माइग्रेन में, मांसपेशियों के दर्द में, सूजन में सेरेटियोपेप्टाइडेज टैबलेट के साइड इफेक्ट। सेरेटियोपेप्टाइडेज टैबलेट का इस्तेमाल करने से आपको कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स आपको हमेशा महसूस नहीं होंगे। जब भी आपको आगे बताए गए साइड इफेक्ट्स महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मिचली, उल्टी, कब्ज, पेट फूलना, डायरिया सेरेटियोपेप्टाइडेज टैबलेट की सामग्री। सेरेटियोपेप्टाइडेज टैबलेट कैसे काम करती है। सेरेटियोपेप्टाइडेज एक तरह का एंजाइम होता है जो दर्द और सूजन करने वाले में सेंसर को ब्रेक करता है, जिससे दर्द और सूजन नहीं होते हैं। अगर आप सेरेटियोपेप्टाइडेज टैबलेट के साथ कोई अन्य दूसरी ड्रग लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएं या फिर इसका प्रभाव कुछ कम हो जाए। अगर इसके इस्तेमाल से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, जिससे कि आपको कोई गंभीर समस्या ना हो। अल्कोहल, क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन, डिक्लोफेनाक। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।